इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस में आज हम एक स्टेरॉयड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ स्टेरॉयड को कैसे इरेक्शन किया जाता है और कैसे पोल के साथ फिक्स किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस बी जेड ए नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो जैसे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क LT या फिर HT के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक कर दीजिए और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जितना नॉलेज आपको चाहिए वो आप वहां से गेन कर पाएंगे। नॉर्मली एक इलेक्ट्रिकल पोल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल केबल का अगेंस्ट में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसका अगेंस्ट में विथस्टैंड करके रहने के लिए इलेक्ट्रिक पोल के साथ स्टेरॉयड को फिक्स किया जाता है। तो स्टेरॉयड को इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें स्टे पीट एक्सकेवेट करना पड़ता है और स्टे पीट का जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से हमें स्टे पीट को एक्सकेवेट करना पड़ेगा। स्टे पीट एक्सकेवेट होने के बाद हमें स्टेरॉयड को स्टे पीट में डाल के स्टे को इरेक्शन करना पड़ता है, यानी कि जो स्टेरॉयड है उसका नीचे एक स्टे प्लेट को फिक्स किया जाएगा और उसे हम स्टे पीट में स्लोप के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद हम वहां पे सीमेंट कंक्रीटिंग के माध्यम से स्टेरॉयड को इरेक्शन करेंगे। स्टेरॉयड इरेक्शन हो जाने के बाद हम स्टे सेट को इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स करेंगे, इसीलिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए जैसे कि स्टे क्लैंप, स्टे बो, स्टे वायर, स्टे इंसुलेटर, नॉट एंड बोल्ट्स। इसके अलावा हमें कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स चाहिए जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, मिनी हैक्सॉ और स्लाई रिंच, जिसके माध्यम से हम स्टे सेट को स्टेरॉयड और इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स कर पाएंगे। तो इसके बाद हम स्टे वायर में 4 हुक बनाएंगे, जहाँ पे हम पहला हुक को स्टे क्लैंप के साथ फिक्स करेंगे, दूसरा और तीसरा हुक को स्टे इंसुलेटर के साथ फिक्स करेंगे और आखिरी हुक को स्टे बो के साथ फिक्स करेंगे। तो स्टे हुक बनाने के बाद उसे हम इलेक्ट्रिक पोल और स्टे रॉड में जो स्टे बो का इस्तेमाल किया जाएगा उसके साथ बाइंडिंग करेंगे और इसके बाद हम स्टे रॉड में जो नॉट लगा है उसे टाइट करेंगे, जिसके बाद स्टे रॉड फाइनली इलेक्ट्रिक पोल के साथ टाइटली फिक्स हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल केबल का जो प्रेशर है उसका अगेंस्ट में स्ट्रॉन्गली विथस्टैंड हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस एपिसोड ऑन इरेक्शन ऑफ स्टेरॉयड एंड फिक्सिंग ऑफ स्टे सेट विथ इलेक्ट्रिकल पोल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी बाय कमेंट विथ प्रीफिक्स #SBZANath। For knowledgeable videos and vlog, you can check the link in the description. And for more videos, you can click on icons and also watch these suggestion videos. External electrical work से जुड़े वीडियो के बारे में जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर से जुड़े एक चैनल के बारे में लिंक दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जान पाएंगे। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आशुतोष आर्किटेक्चर। थैंक यू।